हमारी धरती पर जानवरों के बहुत से प्रजातियां रहती है, जिनमें से बहुत से तो आज भी हमसे अननोन है, जिस वजह से खोजकर्ता रोजाना जानवरों की कोई न कोई नई प्रजाति खोजने में लगे रहते हैं। वैसे तो इस दुनिया में पहले से ही बहुत से अजीब से दिखने वाले जीव ढूंढा जा चुका है, पर पिछले कुछ समय से शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे जीवों की खोज की है जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे जीव भी दुनिया में मौजूद है। हेडलेस चिकन मॉन्स्टर। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च टीम द्वारा गल्फ ऑफ मेक्सिको के समुद्र के अंदर एक ऐसे जीव को खोजा गया है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसका नाम है हेडलेस चिकन मॉन्स्टर, जो कि अपने असामान्य आकार की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके शरीर पर बहुत से छोटे छोटे पंख मौजूद है, जिनकी मदद से ये पानी में तैरता है और अपने शिकार को पकड़ता है। इसका आकार इतना अजीब है कि उसकी वजह से इसे सी क्यूकम्बर भी कहा जाता है, पर फिलहाल वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि अभी तक सिर्फ दो बार ही देखा गया है, और जिसने भी इसे देखा है वो बताते हैं कि ये देखने में बहुत हद तक मुर्गे की तरह दिखता है। हॉगनोज्ड रैट। ये चूहे की एक बहुत ही अलग या कहे अजीब प्रजाति है, जो फिलहाल केवल इंडोनेशिया के सुलवेसी आइलैंड पर पाई जाती है। इन चूहे की नाक दूसरे चूहों से बहुत बड़ी होती है, जो इन्हें जमीन के अंदर अपने खाने को खोजने में मदद करती है। ये ज्यादातर केचुए और बीटल्स खाते हैं, और इसी वजह से इन्हें जमीन के अंदर खोजना पड़ता है। आज तक दुनिया में ऐसे चूहे कहीं और नहीं देखे गए हैं, और शायद यही वजह है कि इन चूहे ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि किस कारण से ये सिर्फ एक आइलैंड पर सीमित रहते हैं, क्योंकि दूसरे चूहों की आबादी तो दुनिया भर में बढ़ रही है। खैर, बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य चूहों की तरह ये भी किसी भी जगह पर रह सकते हैं, और जिस हिसाब से इनकी आबादी घट रही है उसे देखते हुए हम इंसानों को ही इन्हें दुनिया भर में बसाना होगा। केव ड्वेलिंग बीटल। ये बात सच है कि गुफाओं के अंदर अंधेरे में बहुत से ऐसे जीव मौजूद होते हैं जो दुनिया के लिए अब तक अनजान है, जिस वजह से आज दुनिया भर के खोजकर्ताओं गुफाओं के अंदर इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें वहाँ कोई न कोई नए प्रजाति का जीव देखने को मिल सकता है। वेल, ऐसी ही एक खोज पिछले कुछ सालों में हुई, जब रिसर्चर्स को एक गुफा के अंदर केव ड्वेलिंग बीटल दिखा, जो कि सामान्य बीटल से बिल्कुल अलग था। इस बीटल की आंखें और पंख नहीं होती है, और ये पीले और भूरे रंग के होते हैं। इसका शरीर बहुत ही ज्यादा पतला होता है, और ये गुफा से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इस तरह का बीटल सिर्फ गुफा में रहने के लिए ही बने हैं। आज वैज्ञानिक जानने में लगे हुए हैं कि ये आखिर खाता क्या है, क्योंकि गुफा के अंदर कुछ छोटे कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं होता। टार्डिग्रेड्स। 18th सेंचुरी में खोजे गए टार्डिग्रेड इस दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जीवों में से एक है, जिनका आकार 1 इंच से करीब 150 गुना छोटी होती है। ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक जानवर है, जिनकी दुनिया में अब तक करीब 1300 टार्डिग्रेड की प्रजातियां रहती है, जो कि एक दूसरे से लगभग समान होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चार पैरों वाला ये जीव किसी भी वातावरण में जिंदा रह सकता है, और यही वजह है कि ये धरती पर पिछले करोड़ों सालों से जीवित है। इनकी सबसे रोचक बात तो ये है कि इन्हें ज्यादा रेडिएशन और आग में भी कुछ नहीं होता, और ये इनमें भी बहुत ही आसानी से जीवित रह लेते हैं, जिस वजह से ये अक्सर वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है। लिफ्टेल्ड गीको। ये जीव मादागास्कर के जंगलों में पाए जाने वाला बहुत ही अजीब प्राणी है, जो कि सिर्फ कीड़े मकोड़े का ही शिकार करती है। इनके पास शिकारियों से बचने की बहुत ही जबरदस्त कला होती है, और अपनी उसी कला का इस्तेमाल करके ये खुद को शिकारियों से बचा लेते हैं। ये अपने भूरे रंग के पत्ते जैसे शरीर का इस्तेमाल करके खुद को सूखे पत्तों की ढेर में छिपा लेते हैं, और शिकारियों को नजर नहीं आते। इनके पास एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर छलांग लगाने की कला भी होती है, और अगर कोई शिकारी इन्हें गलती से देख ले तो तभी अपने शरीर को हिलाकर और अपना जीव निकालकर एक पत्ती से दूसरे पत्ती पर छलांग लगाकर भाग जाते हैं, और अपने आप को शिकारियों से बचाने में कामयाब होते हैं, जिस वजह से ये मादागास्कर के सबसे यूनिक जीवों के लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाते हैं। वागलकॉप सुपर बर्ड। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले वागलकॉप चिड़िया दुनिया की सबसे सुंदर चिड़ियों में से एक है, जो कि गहरे काले रंग की होती है। इसका रंग इतना ज्यादा गहरा होता है कि अपने ऊपर पड़ने वाली 95% रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे तो इस दुनिया में अब तक ऐसी 41 चिड़ियों की प्रजाति खोजी जा चुकी है, लेकिन वागलकॉप उनमें सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेल वागलकॉप फीमेल वागलकॉप को रिझाने के लिए अपने पंख फैलाकर उनके चारों तरफ डांस करता है, और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, जिसका नजारा बहुत ही अलग होता है। तो दोस्तों, इन सभी जानवरों में से आपको कौन सा जानवर सबसे अनोखा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।